डरावनी दुल्हन, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। इतनी डरावनी रात है, बारिश भी शुरू हो गई। जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू। मोहनलाल के घर की ओर देखूंगा ही नहीं, देखूंगा तो डर लगेगा ना। चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, एक दुल्हन थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, भूत बनकर भटक रही है। जो घर काफी वक्त से खाली होता है उसमें वो अपना डेरा डालती थी। वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है। चाहे मोहनलाल के घर में कुछ नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। मोहनलाल पोपट भाई, वहाँ कुछ नहीं है। क्या हुआ है मोहनलाल, वहाँ कुछ नहीं है। क्या हालत कर ली है उन्होंने। कुछ नहीं होगा मोहनलाल, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ है। क्या बचा लीजिए, तुम ठीक हो, तुम मेरे घर में हो, कुछ नहीं हुआ। शांति शांति, बैठो बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठ जाओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बताओ क्या हुआ, शांति से बोलो क्या हुआ। पहले सबको बुलाइए। इतनी रात को? अरे रात को मारिया खोली, वो पीड़ा थोड़ी आई है, और सबको बुलाइए पहले। ठीक ठीक है, बुला दो। अंजलि जरा फोन लेके आओ ना मेरा, प्लीज जल्दी बुलाता हूँ, बुलाता हूँ। तुम ये बताओ क्या हुआ, सब कुछ ठीक? सब ठीक है, सब ठीक है। पोपटलाल क्या देखा तुमने, क्या हुआ है? लीजिए फोन लीजिए, बुलाइए, बुलाता हूँ। देखो तुम बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल मत घबराओ, मैं बुलाता हूँ। पोपट भाई सर पूछ लीजिए, बताइए क्या हुआ। हेलो, हाँ हेलो मेहता साहब, क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे मैं तो ठीक हूँ भाई, वो पोपटलाल की दुनिया हिली हुई है। हो गया मेहता साहब, पुपुनू पता नहीं, कुछ बता नहीं पा रहा है, बहुत डरा हुआ है। लगता है चाचा जी ने जो कल रात देखा था ऐसा ही कुछ पोपटलाल ने देख लिया। ओह माय गॉड, अब ये पोपटलाल ने क्या देख लिया, अब ये तो पता नहीं क्या देख लिया। आप लोग जल्दी से आइए, मिलके पता करते हैं और मिलके पूछते हैं हुआ क्या है। ठीक है मेहता साहब, हम लोग अभी आते हैं आपके घर। चल
चल तू चला तू भाई बला को डाल तू। सबको फोन कर दिया है, सब आ रहे हैं। शांत हो जाइए और बताइए क्या बात है। बहुत डरा हुआ है, जरा एक गिलास पानी लेके आओ ना। आप पूछिए तो सही, क्या हुआ? हाँ बोलो क्या हुआ बबीता। चलो मैं तो, तब क्या जाना है। रोशन किसका फोन है? सुनिए, मेहता साहब का फोन था। कल चाचा जी ने कुछ देख लिया था, आज पोपू ने कुछ देख लिया। अब तो देखना ही पड़ेगा कि माजरा किया कितने हैं, मेरी हॉकी कितने हैं। बोलिए मेहता साहब। चाचा जी शांति से सो रहे हैं ना? हाँ चाचा जी एकदम शांति से सो गए। बस पोपट भाई आ जाए तो मैं भी घर पे जाके शांति से सो जाऊंगा। अब्दुल मैंने तुम्हें यही कहने के लिए फोन किया है कि आज की रात तुम्हें चाचा जी के पास ही रुकना पड़ेगा। आज पोपटलाल वहाँ जेठल के यहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन पोपट भाई से मेरे अभी बात हुई। हाँ बात हुई अब्दुल, लेकिन हुआ यूं। अरे बाप रे। तो ठीक है अब्दुल, तुम चाचा जी का ध्यान रखो, हम यहाँ पोपटलाल को हिम्मत देते हैं। ठीक है? ठीक है मेहता साहब, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है, ओके। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाचा जी को शांत किया था, आज से शांत करना पड़ेगा। चलो 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 किधर। बिजली चमक रही, कुछ नहीं हुआ है। बारिश हो रही है, मौसम खराब है, कुछ नहीं हुआ है। डरो मत, डरो मत। अरे दस क्यों मिनट शांति रखो, सब एक साथ पूछेंगे तो कैसे जवाब देगा वो, एक एक करके पूछते हैं। हाँ पापा दस क्यों गया? कुछ नहीं है, अभी हम सब जब आ रहे थे तो हमने मटका किंग मोहन लाल के घर पे ऐसे टॉर्च मार के देखा। अच्छा? हाँ उतने कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है पोपटलाल, मैं खुद गया हूँ चाचा जी के साथ वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मैं अपनी आंखों से देख के। यार ताला लगा हुआ है उसके घर पे तो। ओ कल हम लोग गए थे ना मोहन लाल के घर के बाहर, कुछ था? कुछ भी नहीं था। और तेरे को भी चाचा जी के जैसे भ्रम हो गया? नहीं, हम गलत थे, हम सब गलत थे। चाचा जी को कोई भ्रम नहीं हुआ था। मुझे पता है चाचा जी ने वहां क्या देखा था, मैंने भी उसे देखा है आज। क्या देखा तुमने? दुल्हन भाई, तुम्हें उठते बैठते सोते जागते दुल्हन दिखाई देती थी, वहां तक समझ में आता है। लेकिन तुम्हें मटका की मोहल्ला के खाली फ्लैट पे भी दुल्हन दिखाई दी? यार तो तू मच हो गया। ओपो, तेरी दुल्हन तेरा घर छोड़ के मटका किंग के खाली घर में क्यों घूमेगी भाई? ये मजाक की बात नहीं है, मेरी दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पर भाई आप किसकी दुल्हन की बात कर रहे हो? डरावनी दुल्हन। डरावनी? वो कौन है? आत्मा, एक खौफनाक आत्मा, एक दुल्हन की आत्मा जो बंद फ्लैट्स में अपना डेरा डाल लेती है और कुंवारों पर चपटती है। शादी नहीं होने देती। पोपटलाल जी आप ये बताइए सारी जानकारी कहां से मिली? अरे मुझे आज ही मेरे एडिटर साहब ने बताया, शहर में डरावनी दुल्हन की आत्मा भटक रही है। उन्होंने मुझे उस पर आर्टिकल लिखने को भी कहा। अपने आप
पप्पू भी। और पप्पू कहानी तो बड़ी अच्छी है, पर तेरी इस कहानी से हम लोगों का पोपट नहीं होने वाला। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी मैंने सच में अपनी आंखों से उस डरावनी दुल्हन को देखा है, अब भी देखा है। दूधिया रोशनी में उसका खतरनाक चेहरा, घने लाल रंग का उसका शादी का जोड़ा, कड़कती लपकती बिजली में उसके चमकते गहने, उसका खौफनाक साया, और उस साये में अचानक दो चेहरे और चार हाथ हो गए। अरे दो सर चार हाथ, चार हाथ। आजा ये मैं रहा था। हमारा वाटर तीन तीन कैसे जाने? मैं आप लोगों को बता नहीं सकता ताकि वो मंजर कितना डरावना था। ऊपर में ही शांत हो जाइए, आगे कुछ मत बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। मुझे पन बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है चौकस मोहनलाल भाई के घर में कुछ न कुछ तो है। और सुनिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और पप्पू कल चाचा जी के साथ रुका था, तो मुझे लगता है चाचा जी की बातों का असर इसके दिमाग में भी हो गया, इसलिए इसको ये भ्रम हो रहा है। नहीं थोड़ी, मुझे क्या लगता है कि एक आदमी को भ्रम हो समझ में आ सकता है, लेकिन दो दो आदमियों को सेम भ्रम? हाँ मतलब नहीं, ये सोचने वाली बात तो है कि सचमुच कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है वहाँ। हमें चाचा जी की बात को सीरियसली लेना चाहिए था। यारो मैंनु लगता हूँ एक ही रास्ता कि क्या? क्या? हम सब मटका किंग मोहनलाल के घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता मोहनलाल के घर, अरे घर तो दूर, मैं उसके घर के आसपास भी नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं। हाँ मतलब वो उस घर के अंदर जाना क्या सही होगा? अभी बिल्कुल ठीक नहीं होगा, हमें पता नहीं उस घर में क्या है। हाँ मुझे तो अंदर जाने के बाद से ही डर लगने लगा है। आप सबको डर लग रहा है इसीलिए तो अंदर जाना है, और जब तक आप घर के अंदर नहीं जाओगे तब तक आप सबके अंदर का डर बाहर कैसे निकलेगा? और यारो मैं आप सबको वहां पे ले जाके ये दिखाना चाहता हूँ कि वहां पे कुछ नहीं है, ये बस पप्पू और चाचा जी का भ्रम है। सॉरी भाई, सिर्फ भ्रम हो तो अच्छा है। अंजलि भाभी आप भूल गए, और पिछली बार भी हमारी सोसाइटी में एक भूतनी आई थी याद है? बुझ कुछ नहीं होता। याद है भाई, याद है, याद है, याद है ना? उस औरत को भूतनी मानकर सब लोग डर गए थे, पर वो इंसान की रची हुई साजिश थी, भूत भूत कुछ नहीं था। नहीं 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 बस छोड़िए, उस बार की बात अलग है। तो वो भूतनी हम सबको दिखती थी ना, लेकिन ये डरावनी दुल्हन है, ये सबको नहीं दिखती है भाई, सबको नहीं दिखती है। पप्पू लेकिन इस बार तो पता है ना, जो भी है वो इस घर में है। अरे इस घर में नहीं छोड़ी, उस घर में, मोहनलाल के घर में। हाँ हाँ, और पप्पू इस बार तो पता है ना, जो भी है वो उस घर में है। ओए मैं तो कहता हूँ ये ड्रामी उरामी दुल्हन कुछ नहीं होता, और अगर कुछ भी है ना तो उन्नू तो मैं देख लूंगा। ओ आप लोग डरो मत, रोशन सिंह थोड़ी है आपके साथ, चलो मोहनलाल का कार खोल के देख लेते हैं। आओ जी। मेरे को लगता है थोड़ी का बात सही है, हमको मोहनलाल के फ्लैट में जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन अभी जाने की क्या जरूरत है बाबा? हाँ कल दिन में चले जाते हैं ना देखने के लिए कि क्या है। इस वक्त जाने में तो मुझे भी डर लग रहा है। आप लोग डर क्यों रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ।
चलो चलो मोहनलाल के घर चलते हैं। आओ मैं तो अरे क्या चलते हैं सोड़ी, कैसे जा सकते हैं? वो फ्लैट की चाबी कहाँ है हमारे पास अभी? मोहनलाल के घर का ताला तोड़ देंगे और रोशन सिंह सोड़ी के सामने अच्छे अच्छे तालों ने दम तोड़ दिया। तो ये मोहनलाल के घर का ताला क्या चीज है? सोड़ी मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बंद फ्लैट का ताला तोड़ना सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है। आज ये नियम और मोहनलाल के घर का ताला दोनों टूटेंगे। बाद में टूटेगा लेकिन पहले कहीं मेरा नाक नहीं टूट जाए भाई, आराम से। थोड़ी एक मिनट मिनट कुछ अलग सोचते हैं ना। ओए सोचना क्या है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सुरक्षा का सवाल है। अभी ताला तोड़ देता हूँ और देखते हैं वहाँ कुछ नहीं होगा। चलो थोड़ी भाई, हमें पता है कि पोपट पहुंची और चाचा जी ने वहाँ क्या देखा। फिर ऐसे सब जानने के बाद भी वहाँ जाना ठीक होगा नहीं होगा? हाँ सोनी भाई प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए, जाना है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, और मैंने कल ही चेक किया यार, ये नए ताले की कीमत 843 रुपए है। अगर हम लोग ताला तोड़ेंगे तो सोसाइटी को 843 रुपए का नुकसान हो जाएगा। बेड़ा हाँ? दिमाग ठिकाने के ट्यूशन देने गया है? यहाँ मेरी जान जा रही है और तुझे ताले की 843 रुपए की पड़ी है? बात पैसे की नहीं है पोपटलाल, बात सोसाइटी के नियमों की है। अरे बाहर ना गए तेरे नियम, भाड़ में जाए नियम। अरे कमिटी मेंबरों का ऐसा बोल रहे हो, भाड़ में जाए नियम? भाई मैं कमिटी मेंबर बाद में हूँ, पहले इंसान हूँ। अरे वो जो भी हो लेकिन मैं सोसाइटी के नियमों के खिलाफ एक छपी नहीं सुन सकता। अरे एक मिनट एक भाई, अरे अरे अभी वो डर, समझो ना यार उसकी मनस्थिति, और एक दूसरे पे चिल्लाने से क्या होगा, शांति रखो ना यार, शांति रखो। और भिड़े देखो पोपटलाल की बात सही, इस वक्त नियम के बारे में मत सोचो क्योंकि देखो दिमाग में वहम है, तो ये वहम दूर करने के लिए एक बार ताला तोड़ के तसल्ली कर लेना सही है। ठीक है मैं ताला तोड़ने की परमिशन दे सकता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? एक सर्कुलर पे सभी को साइन करना पड़ेगा। कैसा सर्कुलर? एक ऐसा सर्कुलर जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि मोहल्ला के घर का ताला सोसाइटी के सभी मेंबर्स की सहमति से तोड़ा जाएगा। उसमें सभी साइन करो, मैं परमिशन दे दूंगा। नाथा साहब। अरे क्या यार भिड़े तुम भी। नाथा साहब आत्माराम इज राइट। देखो आत्माराम, हम सब फॉर्मेलिटी पूरा करेगा लेकिन अभी वो फॉर्मेलिटी पूरा करने का टाइम नहीं है। हाँ अभी ये फॉर्मेलिटी करने का टाइम नहीं है भिड़े, और अगर तुम्हें सर्कुलर में साइन करवानी है तो कोई बात नहीं, आज हम ताला तोड़ देते, कल हम सर्कुलर पे साइन कर देंगे। साइन कर देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, तो फिर तोड़ो ताला। ठीक है यारो, सब एक साथ चलते हैं। मैं मटका किंग मोहन लाल के घर का ताला तोड़ देता हूँ, हम उसके घर के अंदर जाके देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या है। तो सब तैयार? चल पप्पू तुम ही नाल चल मेरे। नहीं नहीं मैं नहीं चलूंगा मोहन लाल के घर पे। और चल यार, तो वहाँ जाके तेरा डर दूर हो जाएगा। नहीं नहीं मैंने बताया ना भाई, मैं नहीं जा सकता। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों पोपट भाई, देखिए डर तो हम सबको लग रहा है ना। नहीं 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 जा सकता, मतलब नहीं जा सकता पोपटलाल। अरे भाई मैंने बताया ना, वहाँ पर डरावनी दुल्हन है जो कुंवारों पर झपटती है। आप लोग जा सकते हैं, आप सब शादीशुदा हैं, लेकिन मैं कुंवारा हूँ। अरे पोपटलाल ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुमसे शादी कर लेगी और तुम भी तो यही चाहते हो ना। मैं इंसान से शादी करना चाहता हूँ, आत्मा से नहीं। अपो और डोंट फियर, रोशन सिंह सोडी इज हियर। और डर मत, चल मेरे साथ आगे। नहीं नहीं भाई मैं अंदर जाऊंगा तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरी दुनिया हिला देगी और मेरा भी शादी करने का सपना जिंदगी भर के लिए अधूरा रह जाएगा। नहीं 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 नहीं, जब तक वो डरावनी दुल्हन उस घर में है मैं मोहनलाल के घर में नहीं जाऊंगा। अरे पप्पू, अगर उस फ्लैट में कोई भी डरावनी दुल्हन हुई ना तो आज उसकी खैर नहीं है। और उसको भी पता चले कि गोकुल धाम वालों के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। जिस घड़ी का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था दोस्तों, वो घड़ी आ पहुंची। डरावनी दुल्हन कह दीजिए, कोई साया कह दीजिए, बुरी शक्ति कह दीजिए, जो कोई भी रहस्य है वो रहस्य मोहनलाल मटका किंग के इसी फ्लैट में है। और अब वो घड़ी आ पहुंची है, हम गोकुलधाम निवासी इस फ्लैट का ताला तोड़ के अंदर जाने वाले हैं और देखना यह है कि क्या अंदर हमारी मुलाकात डरावनी दुल्हन से होती है, अंदर कोई बुरी शक्ति है, कोई साया है या फिर कुछ भी नहीं है।
क्या है अंदर, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरी तो इस वक्त उत्सुकता रोमांच के मारे अधीरता बढ़ती जा रही है, मेरी सांसें इस वक्त बड़ी तेज चल रही है और मैं जानता हूँ आप भी देखना चाहते हैं कि भीतर क्या है। इसके लिए आपको मिलना होगा हमसे कल ठीक 8:30 बजे देखने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और मैं जानता हूँ कि आप देखेंगे और फिर हम मिलकर देखेंगे कि अंदर क्या है। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, कल 15 अगस्त है हमारा स्वाधीनता दिवस, हमारी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उत्सव। आइए हम प्रण करें कि हम देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे और इस स्वाधीनता के उत्सव को हम सभी मिलकर धूमधाम से मनाएंगे और देश प्रगति के पथ पर यूं ही चलता रहेगा। और यहाँ मोहनलाल मटका किंग के घर में क्या है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।